ये घायल हो रखी है क्या? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अरे हम डेजी को लेकर आ रखे हैं वॉक में, और मैं दिखाती हूँ आपको। अभी हमें इतने सारे पीकॉक दिखे। एक मिनट, आराम से वॉक कर रहे ना ये केरा। हाँ, सो क्यूट। हाँ चलो यार, करते हैं बागे का वॉक। डेजी भी बोल रही होगी। हाँ, मुझको देखकर भाग गया। नेचर के पास रहने का ना यही फायदा है। वाह, उठ गई। दूसरी आ रही, वो तो यहीं घूम रही है। वे वाह, ये तो पत्ते के रंग की है। वाह, चल वॉक करते कहीं उसको हटाने के। चल कर। बहुत सारी बटरफ्लाई है यहाँ तो। गर्मी भी अलग लग रही है। हम लोग वॉक कर रहे हैं, अभी सुबह का मॉर्निंग वॉक चल रहा है। ये बटरफ्लाई उड़ रही है, ये बर्ड्स। आज हम लोग वॉक नहीं कर पाएंगे लग रहा है, यही सब देखते रहेंगे। वाव, बहुत सारे बटरफ्लाई। नेचर के पास रहने का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आपको नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें दिखती रहेंगी। जैसे पिकॉक है, पहले मुझे लगता था कि यार पिकॉक शायद हमें चिड़ियाघर में या ऐसे ही देखने को मिलेगा, पर यहाँ तो मैंने अपनी सोसाइटी में कितने बार पिकॉक देखा। और अभी आप देखो, हम लोग वॉक कर रहे थे, वॉक करते 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 3 पिकॉक दिख गए। मतलब नेचर के पास रहने का ही अलग ही मज़ा है। आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी और पॉल्यूशन फ्री रहोगे। बहुत प्लस पॉइंट है नेचर से जुड़े रहने का। मुझे आगे चलना पड़ रहा है, नहीं तो डेजी बार बार पीछे मुड़ के देख रही है कि ये कहाँ रह गई। तो इसलिए अब आगे चल रही है, तो बहुत अच्छे से वॉक कर रही है। कहाँ है डेजू? ये रही। तो ये अच्छा हो गया, पहले हम लोग वॉक करते थे तो थोड़ा ही वॉक हो पाता था। अब डेजी के चक्कर में 1 घंटा वॉक होता है, तो सुबह डेजी को डेली 1 घंटा वॉक कराना है। डेजी भी बहुत अच्छे से थक जाती है, फिर रेस्ट करती है अपना आराम से पूरे दिन। मैं फिर पीछे आ गई है, रुक जा रही, मैं वही देख रही थी। बड़ी वफादार है डेजी। डेजी मैं आ रही हूँ बेटा, साथ में ही हूँ। चलो चलो चलो, इतनी वफादार है। हाँ, देख रही है बार बार। यहीं से आपको लेके दिखा दो। हाँ, आगे लेक है ना, अब बहुत सारे लेक है एक साथ, 4-5। मैं आपको दिखाती हूँ लेक। अभी एक बार पहले भी मैंने लेक दिखाई थी यहाँ पे, पास पास में 4-5 लेक्स हैं। मैं दिखाती हूँ, मैं ट्राईपॉड वगैरह लेकर नहीं आई, इसलिए शायद थोड़ा सा पकड़ने में, क्योंकि सोचा नहीं था शूट करूँगी, इसको घुमाने के लिए लाई थी। ये लेक मैं दिखाती हूँ एक बार। Thank you.
पहले ये सब देखने के लिए हम लोग हिल स्टेशन या गांव कुछ ऐसी ऐसी जगह जाते थे कि जहां हम नेचर से जुड़े रहें। अब हमारे लिए डेली ये मिनी वेकेशन है क्योंकि ये चीज़ें हमें डेली दिखने को मिली जाती है। और अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा आज हम लोग लेट भी निकले थे मॉर्निंग वॉक में, तो अब गर्मी बहुत लग रही है। बाकी अपना मॉर्निंग रूटीन भी स्टार्ट करना है तो उसमें डिले ना हो जाए, तो हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं। फिर से पिकॉक दिख गए आते टाइम। बोले देखो 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 कितने प्यारे हैं। मैं पास जाने की कोशिश करती पर ये भागे ना। वाओ, ये हमारा वेट कर रहे थे। हाँ बच्चा, अरे भागो मत यार, ये हमारा वेट कर रहे थे लगता है। कितने पास हैं हम इनके। ओह माय गॉड, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये दो थे, तीन थे, अच्छा एक ही रहा। वाह, कैसे देख रहा है ये बार बार। ये भाग जाएंगे ना हम जितना इनके पास जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, वाह, एक तो गया, दो रह गए। हाँ, अपने फैदर हिला रही है, उसे भी उड़ना है। कितने छोटे हो जा रहे हैं ये डर के। अब इसको उड़ना है। OMG, ठीक मेरे आगे वॉक कर रही है, वो देख रही है। ये इसका बच्चा है, अब अपने बच्चे को मोटिवेट कर रही है। आ जा, मैं तो खड़ी हूँ, तू आ। वो डर रहा है शायद हमसे, वो हमको देख रहा है। फ्लाई 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 फ्लाई, मम्मा वेट कर रही है। गुड गर्ल, गए। चलो हम भी वॉक करते हैं इनके साथ। तो धीरे धीरे चल रहे हैं ना। डेजी क्या है ये? डेजी पिकॉक, डेजी पिकॉक, देखो पिकॉक। हाँ यार, शिखर ने आना था आज, उसको दिखाते इतने पास से। वैसे तो बच्चों ने देखा है सोसाइटी में, गए। ओ माय गॉड, इतने सुंदर लग रहे थे पिकॉक, मतलब इतने पास थे, बहुत पास थे। और मैं और पास उनके जाना चाहती थी, पर मैं जितना पास जाती तो वो शायद वो डर जाते और वो उड़ गए। तो ये तीनों थे, मम्मी पापा और उनका बच्चा। मैं भी, वो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा देख कर। गए सोसाइटी के अंदर, अंदर चले गए सोसाइटी के अंदर, अब आराम से वॉक करेंगे। ऐसे ही हमारी सोसाइटी में भी आते हैं। बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे पैरट भी दिखा, आज क्या हो रहा है। नेचर वॉक में सच में, प्लीज़ उड़ना मत। उड़ गया क्या ये, आगे जा रहा है। वाह, ये उड़ रहा नहीं, ये पैरट है। मैं जब, दो पैरेट है यार एक साथ। मैं ज़्यादा जूम नहीं कर पा रही हूँ फिर। हाँ, कहाँ आया बहुत स्पीड में। एक तो वहीं बैठा हुआ है, पर उसके पास जाऊंगी ना, वो देखो। पेड़ पे नारियल टंगा हुआ है, ये देखो नारियल।
तो डेजी के साथ वॉक में आने का एक अच्छा मज़ा है कि हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है और हम नेचर के पास तो हैं ही, और करीब हो जाते हैं नेचर के। थैंक यू डेजी, थैंक यू। अगर डेजी हम आपको वॉक में नहीं लाते तो हम इधर वॉक करने आते नहीं, हम दूसरी साइड जाते वॉक करने, सोसाइटी में ही हमने वॉक करना था तो हम डेजी को वॉक करने लेकर आए इधर और उस वजह से हमें इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली। थैंक यू डेजी, थैंक यू। नहीं लाते तो हमें नहीं मिलता देखने को, वेट करते कभी सोसाइटी में आते तब देखते तो मिल ही जाता है सोसाइटी से बाहर, पर इधर हम वॉक अभी हमने सोसाइटी में ही वॉक करना था, इस तरफ वॉक नहीं करना था, तो डेजी को लेकर आए तो तब ये सब देखने को मिला। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय। रास्ते में मुझे बटरफ्लाई भी मिल गई। ये घायल हो रखी है क्या? नहीं, आ उड़ रही है। मुझे घर आते टाइम मुझे बटरफ्लाई मिल गई। ये उड़ क्यों नहीं रही है? मुझे लगता है इसको थोड़ा सा इसको चोट वोट लगी है, इसके ये घायल हो रखी है तभी नहीं उड़ रही, नहीं तो बटरफ्लाई तो अभी तक उड़ जाती। हमने इसे प्लांट पर छोड़ दिया है, ये देखो प्लांट पे छोड़ दिया। ये रही कि इसको खाना मिलता रहे यहाँ से और ये जल्दी सही होकर उड़ने लग जाए। बाय बाय, बाय बाय। अब वो खुश हो गई, अपने फैदर से ला रही है देखो।